नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। नगर में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को पुलिस ने मुक्त किया है। उसके साथ की गई दरिंदगी की कहानी दिल दहला देने वाली है। उस बच्ची को दिल्ली, हरियाणा, मुंबई के वैश्यालयों में 3 बार बेचा जा चुका है। चौथी बार रांची में उसकी बोली लगी थी। इसके बाद रांची उसे लाया गया। यहां खरीदार के पास पहुंचने से पहले रांची पुलिस ने उसे मुक्त करा लिया। उसे ले जाने वाले एक दलाल को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। नाबालिग को मुक्त कराने के बाद CWC के समक्ष उसे पेश किया गया। यहां उसने बताया कि वो दिल्ली, हरियाणा और मुंबई के वैश्यालयों में बेची जा चुकी है। कई लोगों ने उस मासूम को अपनी हवस का शिकार भी बनाया। ट्रेन से वो रविवार की रात रांची पहुंची थी। उसे एक नंबर दिया गया था। इस नंबर पर कॉल करने के बाद रेलवे स्टेशन पर एक युवक मिला, जो उसे पैदल लेकर कडरू मोड़ के पास स्थित एक बड़े होटल में ले जा रहा था। इसी बीच किसी बात को लेकर युवक से नाबालिग का झगड़ा हो गया और वो पुलिस को इस मामले की भनक पड़ गई। पुलिस ने लड़की को मुक्त कराते हुए युवक को हिरासत में लिया है। पीड़िता को संरक्षण गृह प्रेमाश्रय में रखा गया है। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।